अकॉर्डिंग संयोजकता के अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है कि उस पर कितना ऋणात्मक आवेश है या धनात्मक आवेश है। उसकी बात के बारे में बात करते हैं तो ये धनात्मक या ऋणात्मक संयोजकता के अकॉर्डिंग ही पता चलता है। यह भी संयोजकता के अकॉर्डिंग जकता के अकॉर्डिंग ही बताया जाता है। इतना तो हमने बताया। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि मूलक क्या है तो मूलक कह लीजिए मूलक किस दो प्रकार के होते हैं, अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक। अम्लीय मूलक वे मूलक होते हैं जिन पर ऋणात्मक संयोजकता होती है। जितनी भी संयोजकता होगी ऋणात्मक वो सभी अम्लीय मूलक कहलाएंगे और जिन पर धनात्मक यानी संयोजकता होगी उन्हें हम क्षारीय मूलक कहलाएंगे। और यह सभी डिपेंड करता है उनकी संयोजकता के ऊपर। तो आज हम कुछ समय सबसे पहले संयोजकता के बारे में अध्ययन और कराएंगे। आप संयोजकता देखिए जिसको हम वैलेंसी के नाम से भी जानते हैं। संयोजकता वैसे आपने लास्ट वीडियो में संयुक्तता के बारे में बताया था कि संयुक्तता किस प्रकार से डिपेंड करती है, किस प्रकार से निर्धारित करती है। तो उसके बारे में हम कुछ एग्जांपल आपको देके बताएंगे और कुछ तत्वों के मूलकों के बारे में हम बताएंगे। जैसे हमने बताया कार्बन, कार्बन इसे हम कार्बन बोलते हैं और कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। कितना परमाणु क्रमांक होता है 6। तो हम उसे अष्टवर्ण के अनुसार हम डिवाइड करेंगे तो पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं और दूसरी कक्षा में 4, क्योंकि 2 और 4 6। इससे भी पहले हम बता दें कक्षाएं होती हैं 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये आपकी क्लासें कहलाती हैं। ठीक है, क्लास या सेल। ठीक, और ये है इलेक्ट्रॉन, ये के सेल है, KLMNOPQ। ये 7 क्लासें होती हैं और ये अष्टक का नियम दिया था अष्टवर्ण ने। और अष्टवर्ण ने बताया कि पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, यानी 1 से 2 इलेक्ट्रॉन तक रह सकते हैं। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तीसरी कक्षा में 18 और चौथी कक्षा में 18, 32, 18, 8 और 2। ये नियम उन्होंने दिया था इलेक्ट्रॉनों के बारे में कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसके साथ साथ एक रूल्स और दिया था कि यदि अंतिम कक्षा में कक्षा यानी सेल में 1 से लेकर के 4 इलेक्ट्रॉन शेष रहते हैं तो त्याग दिए जाते हैं। यानी अंतिम कक्षा में 1 से 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो वो त्याग दिए जाते हैं और उतना ही धनात्मक आवेश आ जाता है, आवेश या संयोजकता आ जाती है। पहला रूल तो यह है यदि किसी कक्षा में जैसे यहां देखें इसके अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये 4 इलेक्ट्रॉनों इस रूल के अकॉर्डिंग हम उन 4 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देंगे और जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे उतना ही उस तत्व पर उतना ही धनात्मक चार आवेश आ जाएगा। दूसरा रूल क्या है इसके लिए कि यदि अंतिम कक्षा में अंतिम सेल में 5 से 7 इलेक्ट्रॉन शेष रहते हैं तो अष्टक पूरा करने के लिए, अष्टक यानी 8,
पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं उतना ही उस तत्व पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। यानी दूसरा रूल्स ये था कि यदि अंतिम कक्षा में 5 से 7 इलेक्ट्रॉन शेष रहते हैं तो वह अष्टत्व पूरा करने के लिए, जैसे कि मान के चलो अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 8 पूरा करने के लिए कितने की आवश्यकता है? 3 की। 8 पूरा करने के लिए कितनी आवश्यकता है? 3 की। तो 3 इसकी क्या होगी? संयोजकता होगी। अब देखिए इसको, कार्बन को पहली कक्षा तो ये पूर्ण है, अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये अंतिम कक्षा हुई यानी KSL हुई, के ये L हुई, L में 4 है तो ये 4 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और कार्बन पर 4 धनात्मक आवेश आ जाएगा, यही इसकी संयोजकता होगी। जैसे हम N की बात करें, N का परमाणु क्रमांक 7 होता है तो इसको हम तोड़ सकते हैं, पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन और अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 + 5 = 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। अष्टक पूरा करने के लिए कितने की जरूरत है? 3 की, अर्थात नाइट्रोजन पर माइनस की 3 संयोजकता होगी। हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन की बात करें O8 क्या होता है? इसका परमाणु क्रमांक होता है, इसको हम तोड़ें तो 2 और 6। अंतिम क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो अष्टक पूरा करने के लिए कितने की आवश्यकता है? 2 की। तो ऑक्सीजन पर माइनस की 2, अर्थात जब जितने अष्टक को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन गिन किए जाते हैं, उधार लिए जाते हैं, ऋण लिया जाता है, कर्जा लिया जाता है, उतना ही ऋणात्मक आवेश आ जाता है। तो यह क्या कहलाएगा? ये कौन सा मूलक होगा? ये होगा ऋणात्मक अम्लीय मूलक। ये क्षारीय मूलक हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे? क्षारीय मूलक कहेंगे। ये ऋणात्मक हो जाएगा या अम्लीय मूलक? ये रूल्स के अकॉर्डिंग बात करते हैं, रूल्स के बगैर हम कुछ नहीं जाएंगे। 2 और 2 = 4 होते हैं, 2 × 4 होते हैं, रूल्स है उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे, ठीक। और उदाहरण देखिए, पाली आपने सल्फर एस 16 32। तो देखिए पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 और 8 = 10, 10 और 6 = 16। तो इसलिए अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो इसलिए सल्फर पर माइनस की 2 संयोजकता होगी, अर्थात ये एक अम्लीय मूलक है। क्यों होगी? क्योंकि अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। इसको हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की, सर 16 है, अरे सल्फर 16 को हमने डिवाइड किया ना क्लास ऑफ अकॉर्डिंग, ये क्लास इसकी पूरी होगी, ये क्लास पूरी होगी, 18 6 8 10 16 16 को डिवाइड कर दिया हमने इस रूल्स के अकॉर्डिंग, तो यहां कितना हुए? 6 अंतिम कक्षा में, अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इसको पूरा करने के लिए? 2। तो इस पर पता नहीं कैसा होगा, ये अम्लीय मूलक होगा। कैसा होगा? अम्लीय मूलक होगा। एल्यूमिनियम होता
का 13, 26 या 27, तो 13 एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम 13 को डिवाइड करेंगे तो 2, 8 और 3, 2 पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, तो क्या हुआ अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है तो क्या हुआ 5। पागल सिंह ये देखो 1 से 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या करते हैं त्याग लिए जाएंगे अंतिम कक्षा में, तो 3 त्याग लिए ना, अतः 3 इस पर धनात्मक आवेश आ जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा ये क्षारीय मूलक होगा। जी जी बात आपकी समझ में आई, आपकी समझ में आई हो तो बताएं आप मुझे।